स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेस SPN में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग ट्रपैनोसोमा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रपैनोसोमाइसिस। ट्रपैनोसोमाइसिस क्या है? एक डिजीज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो ट्रपैनोसोमाइसिस किसके द्वारा होती है? ट्रपैनोसोमा के द्वारा। और दो प्रकार की होती है मेनली, जो आपके सिलेबस में है वो दो प्रकार की है, मतलब ह्यूमन में होने वाली दो प्रकार की है। एक तो होती है अफ्रीकन अफ्रीकन और दूसरी होती है अमेरिकन अमेरिकन। तो ये अफ्रीका की कंट्रीज़ में होती है, ये अमेरिका की कंट्रीज़ में होती है। अफ्रीकन वाली का दूसरा नाम भी है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। अमेरिकन ट्रपैनोसोमाइसिस का भी दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है चगास डिजीज, चगास डिजीज। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी दो प्रकार की होती है, एक होती है ईस्ट, एक होती है वेस्ट। ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और दूसरी होती है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ईस्ट वाली जो होती है ये रोडेशियंस से बताया था, ट्रपैनोसोमा रोडेंसियंस। और ये वाला जो है ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस, गैम्बियंस। तो हम लोगों के सिलेबस में जो हम लोगों ने फोकस किया है वो ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस पर किया है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस कौन सी स्लीपिंग सिकनेस करता है? तो करता है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी करता है? वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसी को हम बोलते हैं वेस्ट अफ्रीकन ट्रपैनोसोमैसिस। और ईस्ट अफ्रीकन ट्रपैनोसोमाइसिस किसके द्वारा होगी? ट्रपैनोसोमा रोडेंसियन से। अच्छा, अमेरिकन ट्रपैनोसोमाइसिस किसके द्वारा होगी? बताया था ट्रपैनोसोमा क्रूजाई। तो ये ह्यूमन में तीन तरह की ट्रपैनोसोमाइसिस पाई जाती है। अच्छा, इसे कभी अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस मत कह देना कि ये अमेरिका में होती है तो ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है। नहीं, स्लीपिंग सिकनेस अलग बीमारी है, चगास डिजीज अलग बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस में क्या है? ये अनिद्रा रोग है, मतलब निद्रा ज़्यादा आती है, नींद बहुत लगती है, इसमें स्लीपी फील होता रहता है, तभी इसको नाम दिया गया है स्लीपिंग सिकनेस। चगास डिजीज दूसरी है, वो स्लीपिंग सिकनेस नहीं है। क्लियर हो गया इतना? तो ट्रपैनोसोमेसिस के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ट्रपैनोसोमेसिस ट्रपैनोसोमा के द्वारा होती है। यह दो प्रकार की होती है, अमेरिकन ट्रपैनोसोमेसिस जिसे चगास डिजीज़ कहते हैं, तथा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। वो सॉरी, ये दो प्रकार की होती है, अफ्रीकन ट्रपैनोसोमाइसिस जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, तथा अमेरिकन ट्रपैनोसोमाइसिस जिसे हम चगास डिजीज़ कहते हैं।
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी दो प्रकार की होती है, ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस के द्वारा होती है, वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होती है। समझ में आ गया, इतना डेफिनेशन है। तो हम लोग जो फोकस करेंगे वो इस पे करेंगे, वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। समझ में आ गया, हम पढ़ेंगे वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। देखो वेस्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, वैसे लगा नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होती है, तो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होती है, सीधे सीधे से जवाब है। और ट्रिपैनोसोमा किसके द्वारा, गैम्बियंस के द्वारा। लेकिन वेस्ट लगा हुआ है तो कन्फर्म हो जाएगा कि गैम्बियंस के द्वारा होता है। अगर ईस्ट लगा हो तो समझ लो रोडेंसियंस के द्वारा पूछ रहा है। तो अगर केवल केवल यही पूछे कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होती है, तो आप लोगों का सीधे ना ईस्ट दिया हो ना वेस्ट दिया हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो इसे हम चार पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस। सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण रोग के, पैथोजेनेसिस मीन्स होता है रोग जनकता, मतलब किस प्रकार से रोग फैलता है, रोग जनकता। दूसरा है डायग्नोसिस, मतलब रोग निदान, रोग की पहचान या रोग निदान क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। ट्रीटमेंट जानते ही हो, उपचार के लिए, इसी को थेरेपी बोलते हैं। प्रिवेंशन मीन्स क्या होता है, रोकथाम, रोकथाम। प्रिवेंशन को ही प्रोफाइलैक्सिस भी कह देते हैं, रोकथाम एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षण की। जैसा कि पहले आप लोगों को बताया गया था कि ट्रिपैनोसोमा किसके द्वारा फैलता है, वो सॉरी स्लीपिंग सिकनेस जो है किसके द्वारा फैलती है, सीसी फ्लाई के द्वारा। सीसी फ्लाई जो है फैलाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और कौन सी स्टेज जाती है सबसे पहले अंदर, मेटासाइक्लिक फॉर्म जाती है। तो सीसी फ्लाई क्या होता है, सिम्टम्स लक्षण क्या होते हैं शुरुआती, जैसे सीसी फ्लाई ने ब्लड चूसा तो उस जहां पर इसने ब्लड चूसना शुरू किया, मतलब स्किन में पंचर किया, उस स्थान पर क्या होगा, खुजली होगी, इचिंग होगी। इचिंग वो भी कैसी होगी, लोकल, लोकल मतलब उसी एरिया में होगी जहां पर इस फ्लाई ने जो है स्किन को पंचर किया था और ब्लड चूसा था, वहीं पर क्या होगी, खुजली होगी। तो खुजली होने के बाद जो है जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये ब्लड में पहुंच गई, ब्लड में जाने के बाद क्या हो जाएगी, ये ग्रोथ करने लगेगी, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदलेगी बताया था। तो ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होता है, फीवर आता है, ये भी सिम्टम्स है। फीवर कैसा होगा, रिकरेंट होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर रिकरेंट, रिकरेंट मतलब फीवर जो है एक अंतराल पर नहीं आएगा कि जैसे डेली दोपहर को आ जाए या डेली शाम को आ जाए या तीसरे दिन आए, एक अंतराल, निश्चित अंतराल पर नहीं आएगा, इरेगुलर आएगा और आएगा बार बार, सही हो जाएगा फिर से आएगा। तो शुरुआत में जब पैरासाइट्स कहाँ होते हैं, ब्लड में, तो आता है फीवर। इसके बाद क्या होता है, ब्लड लॉस होने लगता है, मतलब एनीमिया, एनीमिया, वीकनेस, वेट लॉस,
और हेडेक। ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है, जब ये पैरासाइट चला जाता है ब्लड से, कहाँ जाएगा? लिम्फ में, लिम्बी लसीका, लिम्फ से जाएगा लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड मतलब लसीका गांठ। लिम्फ नोड्स में से जाएगा ये नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में ब्रेन में चला जाएगा लास्ट में। तो शुरुआत में तो जब ब्लड में रहता है तो इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं, बाद में लिम्फ नोड्स में चला जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड्स की, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है लिम्फ नोड्स में। इसके बाद नर्वस सिस्टम में जाने के बाद क्या होगा? पर्सन स्लीपी फील करने लगता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, और बाद में कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद क्या होगा? इसकी डेथ जो है निश्चित है, बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिम्टम्स हो गए, और पैथोजेनेसिस मतलब रोग कैसे कैसे फैलता है दोनों। इसके बाद क्या है? ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है शुरुआत में ही किया जा सकता है जब पैरासाइट ब्लड में ही हो, मतलब लिम्फ नोड या नर्वस सिस्टम में प्रवेश ना करे, इससे पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई दी जाती है वो है सुरामीन सोडियम, इसे एंट्रीपोल भी कहते हैं, एंट्रीपोल, ANTRYPOL, एंट्रीपोल भी कहते हैं। दूसरी औषधि है बायर 205, ये भी दी जाती है। एटॉक्सिल, परसेनोफिनाइल, जर्मेनिन, ऑर्सानिन, ये सभी दवाइयाँ कब दी जाती हैं? जब पैरासाइट ब्लड में हो तभी ये काम करती हैं, और जब नर्वस सिस्टम में अगर एंटर हो गया, पर्सन स्लीपी फील करने लगा, तो ये किसी भी दवाई से सही नहीं होता है। इसके बाद है प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, ये सीसी फ्लाई द्वारा फैलता है, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई जो है नम स्थानों पर रहती है, नम एवं मार्सी, मार्सी मीन्स होता है दलदल, दलदल वाली एरिया या नम स्थान जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए यही है कि ऐसे स्थानों को इससे पानी हटा दिया जाए या उसमें DDT का छिड़काव कर दिया जाए, DDT या और कोई इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर दिया जाए, जिससे सीसी फ्लाई जो है मर जाए, क्योंकि जब सीसी फ्लाई नहीं होगी तो ये रोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जिस प्रकार से मलेरिया है ये मच्छर के द्वारा फैलती है, तो जब मच्छर नहीं होते हैं तो मलेरिया नहीं होती है, क्योंकि मच्छर ही फैलाते हैं मलेरिया को। और होती किसके द्वारा है? वो भी प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलती है, बिल्कुल वही हिसाब है यहाँ पर भी। जब मच्छर ही नहीं होंगे तो प्लाज्मोडियम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाएंगे तो मलेरिया नहीं होगी। इसी प्रकार जब सीसी फ्लाई नहीं होगी तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा प्रिवेंशन है कि जो रोगीले व्यक्ति हैं जिनमें ये बीमारी हो गई है, मतलब डिजीज्ड डिजीज्ड पर्सन को
जो भी डिजीज हैं जिनको ये बीमारी है उनको अलग सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, मतलब कम्युनिटी से या समुदाय से अलग रखना चाहिए सुरक्षित स्थान पर। ये नहीं कि अकेले डाल दो छोड़ आओ जाके। तो डिजीज्ड पर्सन को सेपरेट सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। यही इसकी रोकथाम है और क्या, इसी से जो है कंट्रोल हो जाएगी, फैलेगी नहीं। तो ये पूरा जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से समझा दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नए क्लास के साथ।